ये है जी, ये लोग हमसे बनाने के लिए आज ये है कोई आप सब देवी सर्वज्ञ हुआ। अगर इतना हौसला नहीं बढ़ाएंगे तो ये युवा की आगे और नहीं बढ़ सकती है। हम सभी ने हौसला दें। पूर्व राष्ट्रपति तेजो आगे जी का निधन हुआ, जिनकी वजह से ये कार्यक्रम हमारा स्थगित हुआ, आज हुआ। ऐसे कार्यक्रम का आयोजन भाई राहुल वर्मा से निवेदन कि वह आए और स्वागत दे। रविवार को सेवा फरुखाबाद संगठन की तरफ से पर्यावरण प्रेमियों को सम्मानित किया गया। इसके साथ ही आगंतुकों को भी पौधे भेंट किए गए। फतेहगढ़ के ग्राम निनौआ स्थित डिग्री कॉलेज में पर्यावरण प्रेमियों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें जनपद भर से पर्यावरण प्रेमी पहुंचे। मुख्य अतिथि सैयद रिजवान अली नोडल अधिकारी श्रम विभाग ने सरकार की योजनाओं पर चर्चा की। विशेष अतिथि सुधांशु दत्त द्विवेदी ने कहा कि हम सभी को पर्यावरण के प्रति सजग रहना चाहिए। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही शिल्पी सिंह ने कहा कि पर्यावरण ही जीवन है। इस दौरान पर्यावरण के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने वाले उज्ज्वल शुक्ला के साथ ही अन्य पर्यावरण प्रेमियों को प्रमाण पत्र व प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संचालन वैभव सोमवंशी ने किया। इस दौरान रोहित दीक्षित, सुरेंद्र पांडे, फरियाब खान, राहुल वर्मा, हिलाल खां, डॉक्टर अरशद मंसूरी, राहुल वर्मा आदि लोग मौजूद रहे। समाज में अन्य भी पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्यक्रम करते रहते हैं। बच्चे जिनका लगातार सहयोग बना रहता है, उन बच्चों को सम्मानित करने के लिए आज हमारी टीम सेवा फरुखाबाद ने कार्यक्रम तय किया गया, उसी का आयोजन किया जा रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोहित दीक्षित, मैं टीम सेवा फरुखाबाद का जिलाध्यक्ष हूँ। आप जहाँ पर कार्यक्रम कर रहे हैं, इसी कार्यक्रम स्थल के बगल में एक पुराना पर्यावरण से संबंधित बहुत पुराना स्थल है, क्योंकि वन चेतना केंद्र हुआ करता था कभी, उसको लेकर आपकी टीम क्या कर रही है? दरअसल मैं बताना चाहूँ, बिल्कुल जस्ट बगल में ही है आपके और पर्यावरण से संबंधित बहुत बड़ा मुद्दा है। आपको पूरी जानकारी देना चाहूँगा। आज प्रथम बार हमारा इस विद्यालय में आना हुआ है और ये कार्यक्रम छोटा भाई है राहुल वर्मा, जो इस विद्यालय में पढ़ता भी है, उसी के द्वारा इस स्थल का तय किया गया है। अभी आप जो जानकारी हमको दे रहे हैं कि इसके पास में पर्यावरण का जो भी आप बता रहे हैं, उसके लिए अब हमारी टीम वहाँ जा कर के उसकी व्यवस्था देखेगी, क्या गड़बड़ी है, क्या दिक्कत है। जो भी आपको जानकारी आपने हमको दी है, उसके लिए मैं उस पर पूरी तरीके से काम हमारी टीम